तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे हमारी एक्टिविटी 6.2 जो कि हमारे 10th क्लास साइंस के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस से है। शुरू करने से पहले आपसे जस्ट दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि जो हमारी एक्टिविटी 6.2 है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो देखते हैं कि हमें इस एक्टिविटी में करना क्या है। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें दो पौधे लेने हैं, वो भी सेम साइज के, और सेम साइज के इन पौधों को हमें जो है 3 दिनों के लिए किसी डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में रखना है। इससे क्या होगा, डार्क रूम में रखने की वजह से जो है प्लांट्स को सनलाइट जो है वो नहीं मिलेगी, और सनलाइट की एब्सेंस में जो है पौधे अपना फूड जो है वो प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, और फूड प्रिपेयर न कर पाने की वजह से जितना भी फूड जो है प्लांट्स में स्टोर किया होगा, जितना भी फूड जो है वो स्टोर किया होगा वो सारा ही फूड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दोनों पौधों को जो है अलग अलग सेपरेट ग्लास प्लेट्स पे रखना है, और क्या करना है, एक पौधे के साथ तो हमें रखना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ताकि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो उस पौधे के आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर सके, और उसके बाद दोनों ही जो पौधे हैं उन्हें हमें कवर कर देना है। किस तरीके से, देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से जो है दोनों ही पौधों को, एक पौधे को हमने क्या किया है, इसके साथ हमने रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और दूसरे पौधे को बिना हाइड्रोक्साइड के रखा है, बट दोनों ही पौधों को जो है हमें बेल जार से जो है वो कवर कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इन पौधों को जो है, देखिए यहाँ लिखा है कि 2 घंटे के लिए जो है सनलाइट में रखना है, और सनलाइट में रखने के बाद हमें क्या करना है, हमें दोनों ही पौधों से एक एक पत्ती लीफ को जो है तोड़ना है, और ये बताना है कि इन दोनों में से जो है किस पौधे की पत्ती ने जो है स्टार्च यानी कि जो है फूड प्रिपेयर किया, और वो हम कैसे पता लगाएंगे। देखिए एक्टिविटी 6.1 में हमने किस तरीके से पता लगाया था कि लीव्स में स्टार्च है या नहीं, हमने क्या किया था, हमने पत्ती को जो है अल्कोहल में, सबसे पहले हमने पत्ती को जो है अल्कोहल में किया था बॉईल। सो अल्कोहल में बॉईल करने से क्या हुआ था, जो हमारी लीफ है वो उसकी जो क्लोरोप्लास्ट की सेल वॉल थी, मान लीजिए ये जो हमारी सेल वॉल होती है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट और जो है फूड जो है वो स्टोर होता है स्टार्च। सो क्या होता है, जब हम बॉईल करते हैं तो जो ये हमारी सेल वॉल है, अल्कोहल में बॉईल करने से सेल वॉल तो हो जाती है ब्रेक, और ब्रेक होने के वजह बाद सिर्फ हमारे पास जो है ये प्लांट्स में स्टार्च बचता है, जिसकी वजह से जो हमारी लीफ है वो कलरलेस हो जाती है। और उसके बाद हमें क्या करना था, हमें इन कलरलेस लीव्स को जो है आयोडीन में जो है डिप करना था, और आयोडीन में डिप करने के बाद जिस लीफ का कलर जो है ब्लू हो जाएगा उस लीफ में जो है स्टार्च की प्रेजेंस होगी, राइट। सो हमें ये बताना है कि क्या दोनों ही लीव्स जो हैं वो स्टार्च की सेम अमाउंट को शो करती हैं, यानी कि क्या दोनों ही पत्तियों ने जो है फूड को प्रिपेयर किया या नहीं। सो देखिए क्या होता है, जब हम दोनों ही जो प्लांट्स की पत्तियां हैं उनको आयोडीन के सॉल्यूशन से टेस्ट करते हैं तो केवल उसी पौधे की पत्ती, ये जो हमारा ये पौधा है जिससे हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना रखा हुआ था, इसी पौधे की पत्ती जो है वो ब्लू कलर की हो जाती है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि इस पौधे की पत्ती में जो है स्टार्च प्रेजेंस है, इस पौधे की पत्ती ने जो है फूड को प्रिपेयर किया, इस प्लांट की पत्ती ने जिसने हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखा है, इस प्लांट की पत्ती ने फूड प्रिपेयर नहीं किया। सो ऐसा क्यों हुआ,
कि केवल एक ही पौधे की पत्ती ने जो है फूड प्रिपेयर किया, और इस एक्टिविटी के कंक्लूजन पे आप क्या कह सकते हैं कि इस एक्टिविटी का क्या कंक्लूजन निकला। सो देखिए, इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जरूरी होती है। क्योंकि देखिए, दोनों प्लांट्स में क्या डिफरेंस है, दोनों प्लांट्स में सिर्फ यही डिफरेंस है कि एक में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखा है और एक में पोटेशियम हाइड्रोक्स को नहीं रखा। और इस प्लांट ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखने की वजह से क्या हुआ कि ये जो बेल जार है इसके अंदर, इस ग्लास के अंदर जितनी भी CO2 थी उसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने जो है एब्जॉर्ब कर लिया। सो इस प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बिल्कुल भी नहीं थी, इसके अंदर जो है वो CO2 प्रेजेंट थी। और CO2 प्रेजेंट होने की वजह से इस प्लांट की लीफ ने तो जो है वो फूड प्रिपेयर किया, स्टार्च प्रोड्यूस किया, और इस प्लांट की लीफ ने स्टार्च प्रोड्यूस नहीं किया। सो इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है हम कह सकते हैं कि CO2 की एब्सेंस में जो पौधे की पत्तियां हैं वो स्टार्च प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और इसी वजह से वो आयोडीन के सॉल्यूशन में जो है वो ब्लू कलर की नहीं हुई। एक्टिविटी 6.1 में जो है मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो है क्लोरोफिल जो है वो जरूरी होता है। 6.2 में हमने जो है 6.2 में हमने सीखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो CO2 भी नेसेसरी होता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के लिए देखिए एक और चीज़ जो है सनलाइट, सनलाइट की भी जो है उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। और ये तीनों ही चीज़ें जो हैं मिलती हैं तब पौधे जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं। सो उम्मीद है आपको जो एक्टिविटी 6.2 अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।